हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन में है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। जो नीचे दिया गया है क्वेश्चन में, फाइंड मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। हवा में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन माना हवा में SO2 का मात्रा किस परसेंटेज में है, इसको जानने के लिए एक ये डाटा प्रेजेंट किया गया और उसमें 30 लोकेलिटीज़ में एक शहर में, तो उसका हवा में SO2 का कंसंट्रेशन का क्या मीन है ये पता लगाना है। ये सवाल में दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ये इसका यूनिट होता है जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसको हम FI भी कहते हैं। जो हम सवाल करेंगे उसमें FI करेंगे। तो इसमें दिया हुआ 0.00 to 0.04 इतना कंसंट्रेशन 4 लोकेलिटीज़ में पाया गया। 0.04 से 0.089 लोकेलिटीज़ में पाया गया। इसी तरह 0.08 से 0.012 लोकेलिटी पाया गया। इसी तरह से ये डाटा दिया हुआ है, तो इसमें हमको फाइंड करना है कि मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर कितना है। अब हम सबसे कोई भी मेथड से अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, जिसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XI से। जो निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसमें अपर लिमिट कितना है और लोअर लिमिट को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 04 ही हुआ, 0.04। उसको 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 0.02, ठीक है। फिर 0.04 0.08 को प्लस करेंगे तो 0.12 होगा। उसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड 0.06। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब इसमें हम क्या देखते हैं, 0.04 का डिफरेंस है, तो इसमें भी हम 0.04 ऐड करते जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। अब 4 ऐड कर देंगे 0.04 तो ये हो जाएगा 0.14। फिर इसमें 0.04 ऐड करेंगे, ये 0.18। फिर इसमें 0.04 ऐड करेंगे तो 0.22, ठीक है। ये हो गया, XI निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम, अब हमको पता करना है कि कौन सा मेथड से हम निकालें। तो आप तीनों में से किसी मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन है क्या, तीनों में ये डिसिमल आएगा ही, है ना। तो और भी जो स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, डायरेक्ट में कम टाइम टेकिंग होगा। लेकिन किसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि किस मेथड से आपको निकालना है तो वही निकालना, अगर नहीं स्पेसिफाई करे तो डायरेक्ट मेथड ही निकालना, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार से, ये होता है समेसन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ FI, ठीक है। तो अब FI XI ये है, XI ये है, तो FI XI निकाल देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 को 4 से करेंगे तो 0.08, 9 से करेंगे 9 6 54 होता है, तो ये 0.54 हो जाएगा। 10 into 9 90, 0.90 हो गया। 14 into 2 28 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.28। 18 4 या 72, 0.72। 22 into 2 44, 0.44, ये हो गया। अब इसको FI और FI XI का समेशन कर लेंगे, FI का समेशन कर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे समेशन ऑफ FI, ये हो जाएगा 9 4 13 9 22 22, 6 28 2 30 30 हो गया। इसको समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ FI XI, ये हो जाएगा 8 4 12 8 20 6 26 दो बचा, 2 5 7 9 16, 16 11, 28 28 4 29। तो ये हो गया 296। अब 2 डिसमल के बाद है तो यहाँ 2 डिसमल के बाद दे दिया 2.96, इसका टोटल हो गया। ठीक है, अब निकाल देंगे तो इक्वल टू इसमें इसका वैल्यू डाल देंगे। समेशन ऑफ FI XI कितना है, 2.96 डिवाइडेड बाई FI का समेशन कितना है 30, ये 30 डाल देंगे। अब ये एक जीरो हटाने के लिए क्या कर देंगे, एक डिसमल को और बढ़ा देंगे, 10 से डिवाइड होगा तो एक डिसमल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.296 बाई 3। ये डिसमल जीरो हट गया, डिसमल एक प्लस बढ़ा दिया। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.296 को करेंगे 3 से, है ना, तो जीरो में नहीं लगा तो जीरो डाल देंगे। अब डिसमल है तो डिसमल डाल देंगे, 2 में 3 से नहीं लगा तो फिर जीरो डाल देंगे। ये हो जाएगा 29। 29 में कितना टाइम से लगेगा, 9 टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 27। 2 बचा, 6 बचा, 8 टाइम लगा, 24 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 6 टाइम लगा, 18 माइनस हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया बराबर 0.0986 और सो ऑन होगा, है ना। तो लेकिन हम 2 डिसमल करेक्ट पोजीशन में लेंगे, 3 डिसमल में तो 6 ये चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको हटा करके 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.099 ppm। यही इसका मीन निकल गया, तो लिख देंगे हेंस मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 in air equal to 0.099 ppm। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।